हेलो एवरीवन, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और होपफुली आपकी दिवाली जो है बहुत खुशियों वाली होगी। और व्हाट आई एम विशिंग, मैं चाहती हूँ या हमारी पूरी टीम चाहती है कि जो नेक्स्ट दिवाली हो 2023, जो भी स्टूडेंट मेरिट से बहुत डिटर्मिनेशन से बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनको पूरा पूरा उनका सपना पूरा हो, उनका जो ड्रीम जॉब है वो उनको मिल जाए। एंड दिस इज द विशेस विच वी वॉन्ट एज पूरा टीम। तो हमारी 24/7 की टीम जो है वो आपको पूरा पूरा ये विश कर रही है कि दिवाली ये वाली खुशियों वाली हो और अगली दिवाली जो है वो जॉब वाली हो, सिलेक्शन वाली हो। तो सबसे पहले आज मॉक टेस्ट स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहती हूँ कि हमने इस दिवाली से, आप जानते हैं कि आप प्योर कॉन्सेंट्रेशन हमारा पूरा फोकस है कि अगर आप किसी रिमोट एरिया से आते हैं या कहीं से भी भारत में कहीं से भी आते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, यानी कि फाइनेंशियल इशू मोस्टली जो होता है स्टूडेंट्स के साथ। और सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और किसी भी प्रॉब्लम पे ध्यान ना दें, और उसके लिए मेरिट जो है वो आप हमारे क्लासेस को पढ़ते हैं, हमारे पेड क्लासेस को पढ़ते हैं, यूट्यूब क्लासेस में पढ़ते हैं, तो इससे आपका मेरिट तो इनहेंस हो जाता है, लेकिन एक और जो छोटा सा समस्या है वो है फाइनेंशियल इशू। तो फाइनेंशियल इशू को कर्व करने के लिए, इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमने अपने जो बैचेस है उसके प्राइजेस आपके दिवाली गिफ्ट के लिए काफी कम कर दिए। एफ कैट में आप देख सकते हैं, एफ कैट 1/2023 ये 1563 रुपीज का है। एफ कैट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं 1563 रुपीज, अगर आप सीडीएस में पढ़ना चाहते हैं 1471 रुपीज, सीआईएसएफ के लिए अग्निवीर के लिए सिर्फ 919 रुपए और महापैक के लिए आपको 2023 रुपए बस। इवन इसमें 1% का डिस्काउंट और है, यानी अगर आप अंडर 24/7 के ऐप से करते हैं ऐप से तो आपको 1% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो आप बस, ये सबसे लीस्ट प्राइस है हमारा और दिवाली के लिए हम चाहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल इशू है इसको खत्म किया जाए। आप लोग सब आज इस पैक में इनरोल हो जाएं और जो पढ़ाई अपनी वो बहुत अच्छे से स्टार्ट करें हमारे साथ, अपने कंसेप्ट्स को हमेशा क्लियर करें। देखिए महापैक का मैं यहाँ पे बोलूंगी कि महापैक अगर आप लेंगे तो एक और फायदा है कि आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ई बुक्स, ये टेस्ट सीरीज और ई बुक आप जनरली इस पर ध्यान नहीं देते लेकिन एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है। फिर आपका अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखें अगर आप कोड यूज कर सकते हैं Y332, ठीक है, इसके लिए भी कोड आपका Y332 है। ये सारे बैचेस कैसे मिलेंगे आपको, अगर आप कोड यूज कर सकते हैं Y332 यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर आप Y332 कोड यूज करते हैं तो SSC IMD की वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पे 1000999 का है और SSC JEE के लिए 2299 का, RRB JEE के लिए 1000999 का, और DRDO का जो जितना भी हमारा नॉन टेक का बैच है ना, SSC JEE हो या DRDO हो, नॉन टेक बैचेस जो है बहुत डिमांड में रहते हैं, 549 रुपीज का आपका ये नॉन टेक का बैच है। और आपका महापैक सिविल मैकेनिकल का 2599 का है और इलेक्ट्रिकल का 2299 का है, कोड आपको पता है Y332 है। और अगर आप अटेक 24/7 के ऐप से करेंगे तो आपको 1% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, फाइन, बढ़िया। तो ये एक अनाउंसमेंट था जो मुझे करना था और आज हम मॉक टेस्ट बना रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप किसी भी एग्जाम की कोशिश आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर बेसिक्स। सो व्हेन यू वांट टू क्लियर योर बेसिक्स देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, कोई क्वेश्चन ईजी नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वो ना ही बहुत ज्यादा टफ होता है ना ही कोई क्वेश्चन ईजी होता है, बस बात किस चीज की होती है, बात होती है आपकी कंसेप्ट्स की। तो कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आज हम कुछ क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये कहां से पास नहीं होता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार किया है और क्यों करती हूं मैं ये क्वेश्चन बार बार, क्योंकि आप लोगों को ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में, चाहे वो एफ कैट हो चाहे वो SSC हो, तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। और दोनों एग्जाम्स में साथ में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जो भी एक बीटेक का स्टूडेंट है जिसने भी ये किया हुआ है तो वो दोनों ही एग्जाम्स देते हैं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे देश में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ज्यादा है तो उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, है ना। यस ठीक है,
ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. तो उड़ीसा आंसर है, आप सबको पता है, क्योंकि आप देखिए ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मैं यहाँ पे मैं आपको हाइड कर दूँ एक बार. तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स है ना, एक सेकेंड, तो ये सारे जो स्टेट्स है ना, ये सारे आपके क्रॉस करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात है, ये मतलब राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सारे जो स्टेट्स हैं आपके 8 स्टेट, ये सब आपके क्रॉस, इससे ही क्रॉस करता है आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फाइन, सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड. तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड के बारे में बताइएगा. ओके ठीक है ठीक है ठीक है. ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है आपका, देखिए भारत जो है ये आपका स्टार्ट होता है कहां से, भारत स्टार्ट होता है आपका इंदिरा कोल से. सबसे नॉर्थ में क्या है, इंदिरा कोल है. सबसे साउथ में क्या है, सबसे साउथ में आपका केप कैमरिन. सबसे साउथ में क्या है, केप कैमरिन. ठीक है, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, इट इज केप कैमरिन, है ना. ये सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, ये सबसे ईस्टर्न नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है. तो 37 degrees 6 minutes नॉर्थ में ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 degrees 4 minutes नॉर्थ में. एक और बात है बच्चे, अगर आप कंफ्यूज हैं कि दोनों में मैंने नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखा है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा, एक सेकेंड मैं इसको समझा देती हूँ. मुझे आई डोंट वॉन्ट कि दिवाली में आपके दिमाग में ना कोई कंफ्यूजन हो. तो बेसिकली क्या है कि ये आपका अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है. इक्वेटर के ऊपर का जितना भी पोर्शन होगा वो पूरा नॉर्थ है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया यहाँ पे. तो इसका 8 डिग्री से शुरू हो रहा है 4 मिनट, तो ये भी नॉर्थ है, और 37 डिग्री से शुरू हो रहा है 6 मिनट, तो ये भी नॉर्थ है. ठीक है, दोनों नॉर्थ है. अगर यहाँ पे कोई कंट्री होगा ना, तो इसका ऊपर वाला नॉर्थ रहेगा, इसका ऊपर वाला साउथ रहेगा. और यहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो इसका ऊपर वाला पोर्शन भी साउथ है, इसका नीचे वाला पोर्शन भी साउथ है. तो ये आपका नॉर्थ नॉर्थ है, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. अगर कोई कंट्री पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो साउथ साउथ होगा. और उसके बाद अगर कोई कंट्री जो है वो बीच में, इक्वेटर में बीच में है, आधा नॉर्थ में है आधा साउथ में है, तो उसका ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ होगा और नीचे वाला पोर्शन उसका साउथ होगा. फाइन, यस. अब देखिए ईस्टर्न मोस्ट जो है ये आपका किबीतू यहाँ पे लिखा हुआ. हाँ, और यहाँ पे जो मेन लैंड है उसका नॉर्थ आपका ये केप कैमरिन है. अगर आप अंडमान निकोबार का देखेंगे, तो इसका जो सबसे नॉर्थ है वो 6 degrees 7 minutes नॉर्थ है. ये इंदिरा पॉइंट है. ठीक है, तो इंडिया इंदिरा कौन से शुरू होकर इंदिरा पॉइंट पे खत्म होती है. वेस्टर्न मोस्ट में आप देख सकते हैं सर क्रिक गुहार मोटा है, और ईस्टर्न मोस्ट में किबीतू है. तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पूछा जा रहा है ना, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ये होगा. ठीक है, तो ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है 68 degrees 7 minutes ईस्ट, और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है 97 degrees 25 minutes ईस्ट. ये आप याद रखेंगे, ये दोनों नंबर आपको ध्यान रखना है, 68 degrees 7 minutes ईस्ट और 97 degrees 25 minutes ईस्ट. फाइन, क्लियर, यस. चले बढ़िया. फिर आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, है ना, ये कौन से कंट्री में कॉमन फ्रंटीरियर, यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जिसे ये सारे स्टेट जो है वो बॉर्डर लगाते हैं. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस. देखो आप लोगों को लग रहा है बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है. कंसेप्ट देखो ना, बहुत सारे बच्चे पता है बिना देखे ना गलत आंसर दे रहे हैं. उत्तर प्रदेश, ठीक है उत्तर प्रदेश, तो पहले बात करते हैं, पहले सिक्किम की बात करते हैं. सिक्किम देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूटान से बॉर्डर लगा रहे हैं, ये नेपाल से भी बॉर्डर लगा रहे हैं, है ना. और जहां तक उत्तराखंड की बात है, तो उत्तराखंड जो है वो भी ऐसा नहीं कि नेपाल से बॉर्डर लगा रहे हैं, चाइना से भी बॉर्डर लगा रहे हैं. ओके, तो क्योंकि सिक्किम चाइना से बॉर्डर लगा रहा है, तो फिर डोकलाम पास का है, क्या वहां पे चाइना है. तो इस तरह से आप कंफ्यूज होंगे. अब आपने क्या देखना है, आपने कोई एक ऐसा स्टेट देखना है जो कि सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगा रहा हो, जैसे कि हमारा बिहार. बिहार सिर्फ और सिर्फ नेपाल से बॉर्डर लगा रहा है. और क्वेश्चन क्या है कि वो उत्तराखंड भी हो तो काला पानी एरिया उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश भी हो, बिहार भी हो, वेस्ट बंगाल और सिक्किम भी हो, है ना. तो ऐसा जो हमारे पास
स्टेट है, मतलब कंट्री है, वो है नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्किम यहाँ पे, लेकिन सिक्किम जो है वो भूटान, चाइना, नेपाल सबसे बॉर्डर लगा है। उत्तराखंड यहाँ पे वो चाइना से भी बॉर्डर है उसका, नेपाल से भी बॉर्डर है। बिहार ही एक ऐसा है जिसका सिर्फ नेपाल से बॉर्डर है, बिहार। अदरवाइज इफ यू आर सीइंग वेस्ट बंगाल, मतलब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आप देखें, ऐसे तो उत्तर प्रदेश का भी सिर्फ नेपाल से ही लग रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो ऐसा है जो सिर्फ नेपाल से लगा रहा है। बाकी आपके सारे सिक्किम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे एक और कंट्री से भी बॉर्डर लगा रहे हैं। क्लियर, अंडरस्टूड? यस, आई कांट सी द एनर्जी। द क्वेश्चंस बहुत सारे, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट करने वाले हैं। अब देखिए, कावरत्ती, अगर कोई बोलता है कि वो कावरत्ती गया तो वो कहाँ गया? पुडुचेरी का कैपिटल पौंडीचेरी का कैपिटल पौंडीचेरी है। अंडमान निकोबार का कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप का कैपिटल कावरत्ती है। एंड दमन दीव के साथ एक और बात याद रखेंगे कि हम दादर एंड नागर हवेली, ये दमन दीव का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये मैं सोचेगा कि ये जो है ये अपना अलग है और ये अलग है, दमन दीव का ही पार्ट है, तो ये करंट अफेयर्स भी हो गया आपका। साथ ही साथ एक और कंसेप्ट मुझे समझाना था कि नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर डक्कन पैसेज और फिर लिटिल अंडमान। ठीक है, तो लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, ये भी पूछा जाता है। और डक्कन पैसेज जो है, डक्कन पैसेज, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। फाइन, क्लियर? तो देखिए आप, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार को तो कन्वर्ट चेंज कर ही रहा है, मतलब अंडमान और निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल, लेकिन अंडमान एंड निकोबार के किस पोर्शन में? तो अंडमान के बेसिकली ये लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में, और दक्कन पैसेज जो है, दक्कन पैसेज ये आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है, तो लिटिल अंडमान के ऊपर दक्कन पैसेज है और लिटिल अंडमान के नीचे 10 डिग्री चैनल। फाइन, हाँ, दिवाली की बहुत शोर हो रही है मेरे यहाँ, तो मैं क्लास ले रही हूँ, लेकिन फाइन, आपको समझ में आ रही है बातें? यस, चलो नेक्स्ट आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा कंट्री है विच डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इंडिया। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ताजिकिस्तान आप देख सकते हैं, तो इंडिया का मैप यहाँ पे गलत बना है। ठीक है, चलिए इसको हमने सही कर दिया। आप लोग भी फौजी बनेगा तो इसको जरूर सही कर दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, तो ताजिकिस्तान जो है वो आपको दिख रहा है कहाँ पे? यहाँ पे ताजिकिस्तान। इसका कोई भारत से बॉर्डर नहीं लगता है, पाकिस्तान का लगता है, अफगानिस्तान का लगता है, चाइना है, नेपाल है, बाकी आपको पता है भूटान है, म्यांमार है, तो बाकी आपका ताजिकिस्तान से कोई बॉर्डर नहीं लगता है। बाकी आप एक और बात याद रखेंगे कि ना, अभी कुछ कुछ जगह न्यूज में, जैसे अगर आपसे हेरात पूछा जाएगा, HERAT, हेरात, तो हेरात अफगानिस्तान में, हेरात अफगानिस्तान में न्यूज में रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ उसको याद रखिएगा, है ना। फिर आप दुशांबे ताजिकिस्तान का कैपिटल है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। बिशेक किर्गिस्तान का कैपिटल है। और आपका जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान इसका कैपिटल ना पहले था अस्ताना, उसके बाद ये नूर सुल्तान, इसी जगह का नाम नूर सुल्तान हो गया, और अब वापस से इसका नाम अस्ताना हो गया। तो कजाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना है, इसको याद रखिएगा। ये जो टुक टुक कंट्रीज है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सर्वोच्च मोस्ट हिमालय, सबसे ऊपर क्या होता है? हिमाद्री होता है, उसके बाद हिमाचल होता है, फिर उसके बाद शिवालिक होता है। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, इसको याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे कुछ कुछ रेंजेस भी आप देख सकते हैं, जैसे काकोरम सबसे ऊपर, काकोरम ये ए दिख रहा है आपको, फिर लद्दाख है, ये बी दिख रहा है आपको, जास्कर है, सी यहाँ पे दिख रहा है, और कैलाश रेंजेस है, डी यहाँ पे दिख रहा है, राइट। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक है। तो सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे आपका शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक। ओके, अब माउंटेन्स में अगर आप बात करें तो देखिए, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, ये कंटिन्यूअस है, और ये आपका ईस्टर्न घाट्स है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो जो वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक होता है, वेस्टर्न घाट्स का, इसका नाम क्या है? हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुडी, है ना, अनाईमुडी। और जो ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगढ़। ठीक है,
ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आप क्लियर हो गए। साथ ही साथ आप देखिए ये जो आपका बीच का एरिया है जिसको आप नीलगिरी कह रहे हैं, ठीक है, नीलगिरी, नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा, नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है सबसे ज्यादा हाईएस्ट, इसका नाम है डोडा बेटा। फाइन, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट्स हो गया। वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री के नाम से वेस्टर्न घाट को जानते हैं। अब पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट जो है ये वेयर डज पार्क स्ट्रेट लाइज, पार्क स्ट्रेट कहां पे है? पार्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में पार्क स्ट्रेट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेरिंग स्ट्रेट कहां पे है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। फिर आप मुझे बताइए जिब्राल्टर या गिब्राल्टर जैसा बोले तो वो स्ट्रेट कहां पे, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट, यस। फिर भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पे गाइस? तो बहुत सारे नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए, जैसे अगस्ता मलाई कहां पे, फिर बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पे, या ये सारे आपको पता होना चाहिए। भितरकनिका में इंपॉर्टेंट क्या है ना कि यहाँ पे ओलिव रेडलेट टर्टल आते हैं, भितरकनिका में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ओलिव रेडलेट टर्टल आते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ये देखिए भितरकनिका नेशनल पार्क है, यहाँ पे ओलिव रेडली टर्टल आते हैं, राइट, इसलिए इंपॉर्टेंट है भितरकनिका नेशनल पार्क। अब ये कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा समझाना था आपको, तो इसको आप ध्यान से देखें। देखिए इंडिया में ना ऐसे बेस लाइन बना हुआ है, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे ये बेस लाइन बना हुआ है, एक ऐसा लाइन है जहां पे बेस लाइन बना हुआ है, और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, जैसे ये बेस लाइन है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है, तो 12 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर। ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है आपका टेरिटोरियल सी, ठीक है। तो ये पानी जो है वो भारत का ही पानी होता है, उसमें भारत कुछ भी कर सकता है, उसमें भारत फिशिंग कर सकता है, यहां तक कि अगर दूसरे कंट्री वाले अगर कोई इसमें पहुंच जाते हैं, घुस जाते हैं, तो भारत उसको किल भी कर सकता है, मतलब उसके जहाज को उड़ा सकता है, मार सकता है, उसपे कोई भी जो यूनाइटेड नेशन यूएन क्लॉज होता है इस पे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है, ये आपको मार सकता है, राइट, यस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का जो 12 नॉटिकल माइल्स है यहाँ पे कॉन्टिगुअस जोन है। कॉन्टिगुअस जोन का मतलब क्या होता है? ये ट्रेडिंग एरिया, यानी कि अगर कोई मर्चेंट शिप आता है जो ट्रेडिंग कर रहा है तो आप मार नहीं सकते, लेकिन हाँ आप उस पर कस्टम टैक्स या ड्यूटीज लगा सकते हैं, है ना, तो उस पर आप कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं, यानी ये आपका टेरिटोरियल वाटर नहीं, वो कॉन्टिगुअस जोन है। यहां तक कि अगर कोई एरोप्लेन भी इस एरिया से ऐसे घूम के उड़ जाती है और परमिशन नहीं लेती भारत से तो उस पर भी कस्टम टैक्स लग सकता है क्योंकि पॉल्यूशन हुआ है, राइट। और फिर आता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल क्या है? ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मजा ये है कि अगर मान लीजिए जैसे हम अंडमान एंड निकोबार को क्यों रखते हैं अपने पास, क्योंकि ये एरिया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसे 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो अगर कुछ भी कोई भी ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है या कोई भी चीज मिलता है जो हमारे रिसोर्सेज से रिलेटेड है तो वो रिसोर्सेज भारत का होगा, दैट रिसोर्सेज विल बी ऑफ इंडिया, दैट इज द होल थिंग अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आर वी क्लियर? यस। मेटूर डैम कहाँ पे? तो मेटूर डैम है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे मेटूर डैम है तमिलनाडु। मेटूर डैम कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी कहां से शुरू होती है? तो कावेरी नदी जो है आपका ये आपका ताल कावेरी से शुरू होती है, ताल कावेरी से, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी से शुरू होती है ना। ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ये सब आप देख लीजिए, फाइन, क्लियर है गाइस? यस, गुड, ओके। फिर आप देखिए मैंगो राइपन, आम को पकाने के लिए जो उस समय चलता है तो उसको हम लोग मैंगो शावर कहते हैं, और ये जो है आपकी हिस्ट्री की क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हिस्ट्री की क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो एक प्रॉमिस आज दिवाली के दिन मैं और पूरी टीम हम लोग करना चाहते हैं आपसे कि आपको उस एग्जाम की तैयारी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपको बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी और आपके साथ वो बने रहेंगे आज से लेकर आपके एग्जाम के दिन तक, और पूरा जर्नी यानी कि आपकी पढ़ाई, आपका ई बुक्स, आपके टेस्ट सीरीज और आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए एग्जाम तक, उसका टेक केयर हम खुद करने वाले हैं, राइट। तो इसके लिए एक सरप्राइज
है आपके, आपको मैं बता दूं तो ये सरप्राइज ये है कि हमने सारे बैचेस के प्राइस जो है ना वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे कर दिए। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे गूगल में गए ठीक है, तो गूगल में जाते या पहले adder247.com पे जाइए। जब आप adder247.com पे जाते हैं तो ये सबसे बड़ा आपके लिए गिफ्ट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CISF की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC JEE की तैयारी कर रहे हो, IMD की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको बस उसमें जाना है उस बैच पे। जैसे आप डिफेंस में अगर आप CISF पे जाते हैं ठीक है, तो ये दिवाली का बहुत बड़ा अभी उत्सव चल रहा है, डबल वैलिडिटी, हर एक लाइफ कोर्सेज पे डबल वैलिडिटी है, प्लस इनके प्राइस भी बहुत ज्यादा कम कर दिए गए। तो डबल वैलिडिटी है कि 6 महीने के लिए नहीं मिलेगा आपको, ये आपको पूरे 1 साल के लिए मिलेगा। Y332 कोड अगर मैं यूज करती हूँ CISF के लिए तो ये मुझे मिल जाएगा, ये बैच मुझे सिर्फ 1471 rupees में मिल जाएगा ठीक है। अगर वही देखिए, अगर मैं यहाँ पर डिफेंस में, मैं पहले डिफेंस का बता दूँ, FCAT में जाती हूँ, FCAT में अगर मैं ये कोड यूज कर रही हूँ FCAT में, तो FCAT में तो आपको सिलेक्शन किट भी आता है FCAT का। और यहाँ पे अगर मैं बाय नाउ पे जाके ये कोड यूज कर रही हूँ Y332 और अप्लाई करती हूँ, तो ये मुझे 1563 rupees सबसे मिनिमम प्राइस में मिलेगा। फिर क्या करना है, बस अपना नाम नंबर डालना है और पेमेंट कर देना है। और डिफेंस के महापैक में तो गए FCAT, CDS सब कुछ, डिफेंस का ये महापैक है। और डिफेंस के महापैक में जितने भी CISF, असम राइफल्स, ITBP सब कुछ सिर्फ 2575 rupees। और ये डबल वैलिडिटी पे, अगर आप 6 month plus 6 month का वैलिडिटी लेते हैं तो डिफेंस का जो 6 महीने का पैक है Y332 यूज करने पे ये सिर्फ 2023 rupees का मिलेगा आपको। तो यानी कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और डिफेंस में आप एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पे तो डिफेंस का महापैक है, यहाँ पे आप प्राइम टेस्ट पैक पे भी जा सकते हैं। प्राइम टेस्ट पैक पे अगर मैं 6 month plus 6 month की वैलिडिटी को यूज करूँ, और यहाँ पे देखिए टेस्ट पैक के लिए जो कोड है ना, ये कोड है आपका Y332S और अप्लाई करते हैं, ये 206 rupees में मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो देखो, इंजीनियरिंग एक तो RRB का बैच आ गया हमारा, RRB JEE का, तो ये अभी सबसे शानदार बैच चल रहा है। तो आप अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आपने कुछ भी किया हुआ है तो आप CBT 1 plus CBT 2 दोनों का प्रिपरेशन Y332 यूज करके, और यहाँ पे 1839 rupees का आपको मिल जाएगा ये RRB JEE का। साथ ही साथ आप यहाँ पे DRDO की अगर तैयारी कर रहे हैं तो DRDO में आप देखिए नॉन टेक प्लस टेक दोनों के बैचेस हैं। तो नॉन टेक का जो बैच है हमारा है ना, यहाँ पे अगर हम Y332 यूज करते हैं ये सिर्फ 550 rupees। तो ये सारे बैचेस आपको महापैक में डबल वैलिडिटी, सारे लाइव क्लासेस में डबल वैलिडिटी, और मेन चीज क्या है ना कि इतने अफोर्डेबल प्राइस पे हम आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करेगा। टेस्ट सीरीज, लाइव कोर्सेज, ई बुक्स, मतलब हर एक ऐसा चीज जो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए वो सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको बस एक छोटा सा बस एक स्टेप लेना है। द स्टेप इज कि आपको बैचेस में एनरोल करना है, फिर आप हमारे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे, यूट्यूब पे क्लासेस, पेड में क्लासेस, इतनी सारी क्लासेस होंगी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन जरूर होगा, बेहतरीन सिलेक्शन होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। और नाउ इट इज़ वेरी ईजी, वेरी वेरी अफोर्डेबल। सो एवरी वन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर द सेशन एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली।